हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. दिस इज सिद्धांत पंवार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिद्धांत पंवार. सी टुडेज टॉपिक इज बी वर्ब. वी विल यूज कंप्लीट बी वर्ब सेंटेंसेस यूजिंग एसएमआर एंड वी विल सी कंप्लीट यूसेज ऑफ एसएमआर. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. अभी अपन को जो करना है वो क्या है, सबसे पहले चीजों को ध्यान से देखिए कि मैंने आपको क्या बताया. बी वर्ब का यूज करना है. बी वर्ब को यूज अपन तीन कैटेगरीज में करेंगे. फर्स्ट वन है अपना एज स्टेट, सेकंड वन अपना क्या है जो अपने को यूज करना है टेंस में, जब एक्शन क्या हो कंटिन्यू हो, एंड थर्ड वन अपना जो है वो है पैसिव वॉइस. इसके लिए अपने को देखिए तीन चीजें करनी पड़ेंगी. सबसे पहला आपने देखा कि स्टेट में यूज करना है, अपने को टेंस में यूज करना है, थर्ड वन पैसिव वॉइस में करना है. तीन चीजें होगी. अब मैं इसको फर्स्ट को लेकर के चल रहा हूं स्टेट में. देखिए, जब कभी भी अपने पास में सेंटेंस का स्ट्रक्चर नाउन आए सबसे पहले, उसके तुरंत बाद में क्या है प्रोनाउन आए, आफ्टर दैट हमें क्या यूज करना है बी वर्ब यूज करना है. बी वर्ब का अपने को क्या यूज करना है फर्स्ट फॉर्म. बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है जो कि है क्या अपने पास में एसएमआर. आफ्टर दैट अपने को वापस से नाउन या प्रोनाउन यूज करना है. क्लियर. अब देखिए बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने को यूज करनी है एसएमआर. अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो इज है वो कब यूज होता है, एम जो है वो कब यूज होता है, और आर अपने पास में जो है वो कब यूज होता है. इज जो है सिंगुलर है तो ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही यूज किया जाएगा. सेकेंड वर्ब अपना जो आई है एम है वो हमेशा किसके साथ में यूज किया जाएगा, आई के साथ में. आर जो है अपना हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ही यूज किया जाएगा. क्लियर. इसका एग्जांपल देखिए, जब अपने को एसएमआर को यूज करना है स्टेट में, कंडीशंस में, पोजीशन में यूज करना है, जहां पे क्या कहता है पर्सन कि वह खुद ही कुछ होता है. वो नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है. वो क्या कह रहा है आपसे कि वो खुद ही कुछ है. अब देखिए सेंटेंस, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए आप. क्या बोला मैंने, सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन. ठीक है, इसके बाद में अपने को बी वर्ब, बी वर्ब, बी वर्ब. इसके बाद में नाउन या प्रोनाउन, इधर देखिए आप, इधर देखिए आप. क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, आगे चले. कोई डाउट हो तो बताना यहां तक. ओके, सेकंड यूसेज ऑफ बी वर्ब इज दैट When the action is in continual form, यानी कि जब sentence में जो अपने पास में action है वो continue form में रहता है कि वो काम होता ही जा रहा है, उसका अभी तक end नहीं हुआ है. It means it is temporary action. We will use be verb in a sentence like, first of all we will use subject, after that helping verb, after that main verb, फिर object and then others. Here we can see कि subject जो है अगर singular है तो helping verb भी singular आएगी, subject अगर plural है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी प्लूरल आएगी. आफ्टर दैट मेन वर्ब, जब अपने को बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, आई एम एसएमआर के यूजेस को अपन देख रहे हैं इसमें, तो हमें क्या करना होता है, हमेशा जब सेंटेंस में एक्शन क्या होता है कंटिन्यू, तो वर्ब की हमेशा आई एन जी फॉर्म यूज होगी. वी विल सी हेयर. See this example. See, सबसे पहले हमने यूज क्या किया सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स. मेन वर्ब की एनजी फॉर्म अपन ने यूज किया है. अब देखिए सब्जेक्ट जो अपने पास में क्या था यू, यू की कैटेगरी क्या है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है प्लूरल है. जब प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लेकर के आएगा. एसएमआर में से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सी है आर, तो अपन ने यू के तुरंत बाद में क्या लगाया आर लगाया. ठीक है, अब क्या बताया मैंने मेन वर्ब की एनजी फॉर्म, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या थी टीच, टीच मींस पढ़ाना. तो तुम पढ़ा रहे हो क्या इंग्लिश नाउ, अभी तुम इंग्लिश पढ़ा रहे हो. इंग्लिश का जो अपन हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं वो अपन इस साइड से करते हैं, ना कि इधर से करते हुए चलते हैं. ये नहीं है कि आप इंग्लिश हमें पढ़ाते हो, नहीं, आप पढ़ा रहे हो इंग्लिश अब. क्लियर. नेक्स्ट वन देखिए एग्जाम्पल और.
we are playing chess. Plural subject, plural helping verb. इसके तुरंत बाद में verb की ing form. After that, object. Clear? See. यहां पे मैं चार वर्ड्स लिखे हैं, सी, वॉच, नोटिस एंड लुक. इनमें अपन डिफरेंस देखेंगे. इन सभी का वैसे हिंदी में मीनिंग क्या होता है? देखना. लेकिन देखने देखने का भी फर्क होता है. देखने देखने का भी नजरिए का डिफरेंस आप इन वर्ड्स को देख करके समझेंगे कि जो सी है, वॉच है, नोटिस है, लुक है, इनमें अपन क्या करेंगे. देखिए, अभी मैं आपको क्या पढ़ाने वाला था, बीवर पढ़ा रहा था, लेकिन बीच में मैंने ये चार वर्ड्स लिख दिए. अचानक से मेरा मन करके बताने का, चलो देख लेते हैं कि जब कभी भी अपन सी, वॉच, नोटिस या लुक का यूज करते हैं तो अपने को माइनस से डिफरेंस क्या रखना है. जब अपन सी करते हैं, देखते हैं किसी चीज को, तो हम नॉर्मली या जनरली थिंग्स को देखते हैं. जैसे मेरा ध्यान अभी फोन की तरफ है, इसके साथ साथ मैं फोन को देखना चाह रहा हूं, बोर्ड पे भी देख रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें जिनको मैं नहीं देखना चाह रहा हूं वो भी मेरे को अपने आप दिख रही है, यानी कि जनरली वो मेरे को दिख रही है. जैसे फिलहाल मेरे पास में फोन है तो मैं इसकी तरफ नजर करके पढ़ा रहा हूं, मैंने बोर्ड पे मैंने इंटेंशनली ध्यान दिया है, लेकिन कुछ चीजें जैसे मेरी यहाँ पे बुक्स रखी हुई है, इधर मेरी टेबल रखी हुई है, सारी चीजें मेरे को अपने आप ही दिख रही है जिनको मैं देखना भी नहीं चाह रहा हूं. तो इन सब चीजों के लिए अपन क्या यूज करते हैं? सी यूज करते हैं जब अपन नॉर्मली देखते हैं किसी चीज को. तब नेक्स्ट वन अपना वॉच. जब कभी भी हम टीवी देखते हैं या कोई क्रिकेट का मैच आ रहा हो, जैसे रामायण महाभारत भी चल रही है, तो उनको अपन वॉच करते हैं. वॉच मीन्स क्या होता है? इंटेंशनली या केयरफुली चीजों को देखना. क्या बताया? जब कभी हम चीजों को इंटेंशनली या केयरफुली देखते हैं, ध्यान से देखते हैं. जैसे कि आपने एक चीज हमेशा नोट की होगी, जब आप टीवी देखते हो, गाने वाने देखते हो, तो आप क्या करते हो? फटाफट से आपको सारे गाने याद हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि आप उनको इंटेंशनली देखते हो और ध्यान लगा करके आप उनको देखते हो. थर्ड वन अपना नोटिस. नोटिस मीन्स किसी चीज को अधिक ध्यान से देखना. जैसे आप रास्ते में चलते हुए जाते हो, कुछ आपके जो नैन अटक्के हैं वो चलते रहते हैं कि सामने वाला पर्सन कैसा है, हाउ इज ही लुकिंग, हाउ इज सी लुकिंग, कैसा है दिखने में, सारी चीजें आप उनको क्या करते हो? नोटिस करते हो. इसके अलावा जैसे अभी शादी वादी का सीजन नहीं चल रहा, वैसे अगर नॉर्मली होता, लॉकडाउन नहीं हो रहा होता, तो शादी का सीजन होता, तो इस टाइम आप खूब सारी पार्टियां ज्वाइन करते और उनमें आप रातों रात बहुत सारे हर पार्टी में जाकर के लोगों को ताड़ते, देखते रहते, तो आप उन सब चीजों को क्या करते हो? नोटिस करते हो. अधिक ध्यान से देखना. क्लियर? नेक्स्ट अपना लुक. लुक मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन या पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन या डायरेक्शन की तरफ देखना. किसी विशेष व्यक्ति की तरफ देखना. जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, लुक एट मी, मेरी तरफ देखिए, यानी कि मैं एक पर्टिकुलर पर्सन हूं, जिसे आप क्या कह रहे हो? डायरेक्शन, दिशा दिखाते हुए कह रहे हो कि मेरी तरफ देखिए. या फिर इसके अलावा मैंने कहा लुक एट द हैवी स्टॉर्म, जो कठिन यानी कि बहुत ऊंचे लेवल पे जो चला आ रहा है, क्या तूफान, उसके तरफ आप देखिए. यहां तक इन चारों चीजों में आपने डिफरेंस देख लिया होगा. क्लियर? आगे चलते हैं. अब अपन बी वर्ब के थर्ड यूसेज को देख लेते हैं, जिसमें अपन क्या बात करें, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में अपन इसका यूज कैसे करते हैं. देखिए ध्यान से, जब कभी भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपको इस पैटर्न पे दिखे कि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एमआर या उसके साथ में वर्ब की एनजी फॉर्म है, तो अपने को चेंज किस में करना होता है? उसे इज एमआर में ही, लेकिन साथ में क्या लगा देंगे अपन? बीइंग. और बीइंग के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म. पैसिव वॉइस का ही पैटर्न है जो क्या कहता है आपको कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी. जैसे इस एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाएंगे. इधर देखिए, मैंने क्या बताया, पैटर्न एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ये, ठीक है? ये किसका सेंटेंस है? एक्टिव वॉइस का. मुझे इसे चेंज किस में करना है? पैसिव वॉइस में. पैसिव वॉइस में जब अपन चेंज करते हैं तो पहले एक्टिव वॉइस के पैटर्न को देखते हैं. सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब में से कुछ आया है, ठीक है? वर्ब की एनजी फॉर्म आई है, ठीक है? उसके बाद में डबल ऑब्जेक्ट है,
तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को ध्यान से देखेंगे। ये अपने पास में क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या है अपने पास में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों में से आप किसी भी वर्ड से इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो। अब जब इज एम आर आता है तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको लेकर के आता हूं यहां पे, इंग्लिश सिंगुलर है, इंग्लिश इज आ जाएगा, इसके बाद में क्या लगेंगे अपन, बीइंग, इंग्लिश इज बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, इंग्लिश इज बीइंग टॉट टू यू बाय मी। सी, इस वाले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने सबसे पहले रखा। जब अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को बनाएंगे तो ये जो अपने पास में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये किसके बाद में आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आएगा, और उसके साथ ही अपने को क्या लगाना पड़ेगा, टू। क्लियर? तो इंग्लिश सिंगुलर था, इसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म अपन ने लगाया, इससे पहले मैंने क्या लगाया देखिए, बी लगाया, बी का बीइंग लगाया। ठीक है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट टू यू बाय मी, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, जब अभी अपन ने तीनों चीजों को ध्यान से देख लिया, बी वर्ब के कंप्लीट यूसेज को अपन ने देख लिया, इसके बाद अपन क्या बात करने वाले हैं कि जो हैज हैव हैड है उसका अपन क्या क्या देखेंगे, कंप्लीट यूसेज देखेंगे कल की वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफी है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कहां कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और किस पार्ट में अगर आपको कमी भी नजर आती है तो आप भी मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं कि हाँ ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना या व्हाट्सएप पे कर देना। ठीक है, थैंक यू।